लगा रहे हैं और ये लग ही नहीं रहा हमसे आसानी से। तो कुछ चाय में दो तीन उबाल आ गया है चाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते, लाइक और शेयर करके हमको पर्सनल बनने का। नमस्ते। तो सुबह सुबह का टाइम है, सब बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। खाना मैं बना रही हूँ, चावल हमारा पक रहा है, दाल पक गया है, इधर रख देते हैं चाय। तो यहाँ पर अंजलि का दाल चावल निकाल रही हूँ, दाल चावल निकाल दी हूँ, बन गया है चाय हमारा पक रहा है, इधर चावल पक रहा है। तो आज हमारे घर चावल जल्दी बन नहीं पाया तो अंजलि को जाना पड़ा, लेकर आई अभी, चाय बना रहे हैं, पी पाएंगे कि नहीं, आज लेट हो गया। तो स्कूल जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं, हम सब जा रहे हैं पढ़ने। तो जा रही हैं सब लोग स्कूल, खाना दे दिए हैं। तो खाना दे दिए टिफिन में, आज चाय नहीं पी पाए सब लोग, बना लेते हैं खाना। चाय में दो तीन उबाल आ गया है, चाय हमारा अच्छे से पक गया है। तो बच्चे तो स्कूल चले गए, दाल चावल बना के दे दी थी, आप सब देखे होंगे, आज चावल बना ही नहीं था, दाल ही बना था। तो यहाँ पर सब्जी और रोटी बना रहे हैं, और अभी चंदन के पापा चले जाएंगे खेत में काम करने, और मैं काम करने नहीं जा पा रही हूँ, खेत में हमारा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जाते भी नहीं है। यहाँ पर लौकी का सब्जी चला रही हूँ अच्छे से, नमक सब डाल दी हूँ, तावा में रोटी डाल दी, सब्जी को अच्छी तरह से चलाते हुए पका रहे हैं। तो लौकी का सब्जी सादा कोई नहीं पसंद करता, मसाला वाला सब्जी सबको पसंद है, तो मसाला वाला बना रहे हैं। सब्जी को ढक देते हैं, ढक के पका लेते हैं 10 मिनट तक, बीच बीच में चलाते रहेंगे। रोटी को पलट देते हैं, ज़्यादा पक गई एक साइड रोटी, तो रोटी सब्जी बना लेते हैं। खाना बना चुके हैं, किचन का साफ सफाई कर दी, यहाँ पर बर्तन भी धो के रखे हैं, अभी उठा लेंगे। और यहाँ बकरियाँ भी आकर सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर दोनों इधर बैठी हैं। तो खेत से काम करके आ गए, अब चलती हूँ खाना खाती हूँ, दिन के 12 बज गया है, 12:30 बजे बच्चे आ जाएंगे। खाना खाना है सभी दीदी भैया को, राम राम। खाना खाना है, निकालेंगे अभी नहीं खाएंगे, तो हम चलते हैं खाते हैं। सब स्कूल से भी आ गए, अंजलि आज स्कूल पे क्या पढ़ाया गया था ऊपर देखो, बादल बरसा, या हर सामने सामने करके, मामा आया छाता लेकर आया, और बादल बरसा, बस शीतल सही से बैठ के खाओ। तो ड्रेस शीतल चेंज कर ली, भूख ज्यादा लगा था शीतल, तो सबसे कोने में बैठे हैं। और देखिए हमारे यहाँ का चार्जर सब इसी तरह लगा रहता है, यहाँ कोने में बैठे हैं, किसी से ना तो मतलब है, ना किसी से बात करना, ना कुछ। बच्चे उतनी दूर पे बैठे और ये इतनी दूर पे बैठे हैं। तो खाना कैसे बना है? तो सब लोग खाना खा रहे थे, दिखाई आप सबको, यहाँ पर कोने में लाकर बैठ के खा रहे थे, तो सोची दिखा दूँ कि यहाँ छिपके बैठी। तो यहाँ हाथ से कढ़ाई मार रहे हैं, सब सफेद सफेद सा हो गया था, तो 3 टाइम पानी मारना जरूरी होता है, नहीं तो फिर
पकेगा नहीं। तो फिर एक बार मारे थे या तो इसको कमरे को पानी भरा जाए अच्छी तरह से, तो इसलिए नहीं पानी भरते कि आना जाना रहता है, सामान रखा गया है। खाने कमरे को भी पानी मारती हूँ तो पहले वही कमरा भूले थे, बाद में ये वाला कमरे में पानी डाली। शाम को पानी डालेंगे तब तक ये सूख जाएगा। तो चलते हैं कुछ सामान सेट करते हैं। तो पलाई पहले लगाएंगे अलमारी में। तो यहाँ पर पलाई लगा रहे हैं पहले इस वाले अलमारी में। तो यहाँ सब लेकर आए के पलाई खड़ी हैं, लगा रहे हैं और ये लग ही नहीं रहा हमसे आसानी से। तो यहाँ पर अलमारी को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये भी लग गया कि लेकर खड़ी है। तो अलमारी यहाँ पर लगा दी हूँ, अब सामान लाकर रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं डिब्बा को रख लेते हैं नीचे जिसमें कपड़ा रखती हैं गुंजन शीतल, अभी खाली है सब कल। तो ये सब बोरा धुल दिए हैं, बोरा इसलिए रखना पड़ता है दोस्तों, इसमें आटा चावल, जैसे आटा पिसाना हुआ तो भी बोरे का काम लगता है, चावल निकालने के लिए तो भी काम लगता है, दराई करने। तो आटा चावल का डिब्बा भी फर्श से नहीं रख रहे हैं क्योंकि फर्श टूटने का डर रहेगा, तो आटा चावल को इधर उधर देते हैं, नहीं कहीं गलती से गिरा लेंगी अंजलि सब। बाकी कपड़ा जो ये सब डिब्बे में रखती हैं सुखवा कर इसी में रख दिए। तो कुछ सामान मैं रख दी हूँ। तो दोस्तों सामान कुछ रख पाई हूँ, अभी पूरा सामान नहीं लाकर रख सकते हैं। और तो कल हम इंस्टाग्राम से एक दीदी से बात की, वो लखनऊ की थी, तो उनसे मैं बोली दीदी कि कमरे का सेट का शिकायत ज़्यादातर आता है। तो वो बोली कि संगीता जी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कमरे को सेट किस तरह करना है, जैसे ये बेड सब बाहर निकाल के द्वारे पे सब सोते हो, बाहर पड़ा रहता है वहाँ सोते हो, तो वही चीज़ कमरे में सेट कर लो, अच्छे से चादर बिछा लो, अच्छे से ये बेड सीट शायद बोलती है इसको वहाँ पर सेट करो, अंदर ही सोना। हो सकता है ये बात ना हो, आप सब भी बताना सेट करने का क्या बात चल रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ ये हमारा बेड बिस्तर जाकर ठंडे के मौसम में सेट होगा, और गर्मी जब तक है तब तक हम अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि गांव में तो सबके घर का बात नहीं कर सकती हूँ। अक्सर लोग द्वारे पे सोते हैं या बाहर, क्योंकि हवा उधर जाता नहीं, गर्मी अधिक लगती है ना, और लाइट रहता नहीं कि हम सब पंखे के सहारे में बिता लें अंदर। तो यही बात है दोस्तों, मैं आप सबसे बताई सेट तभी होगा जब ठंड का मौसम आएगा, और बाकी सामान का तो रख ही सकते हैं सेट करके। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। तो कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कमेंट आया, सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। बताई कि ये बेड और चारपाई सेट करने की बात हो रही है कि बाकी और सामान, तो आप सब बताना, और उसका रीजन में बताई कि कमरे में सोना इस समय आसान बात नहीं है। अंजलि से पूछते हैं, अंजलि अंदर सोना है कमरे काहे करे? बहुत गर्मी लगेगा। बहुत गर्मी लगेगा तो हम सबके ये तो नहीं है दोस्तों, लाइट पंखा तो है नीचे रख के चलता रहता है, जब लाइट रहेगा तभी वो चलेगा। तो यही हाल है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, लाइक।